हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 मार्च 2021 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की फुल डिटेल के साथ क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, और वहीं पर आपको पीडीएफ फाइल भी मिलेगी। आप लोग पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अभी एप्लीकेशन पर ऑफर चल रहा है, एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। कूपन कोड का नया सिस्टम आया है और MJT30, क्या MJT30 नाम का ये कूपन कोड अगर आप एंटर करते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रोडक्ट पर, हमारे जितने भी ईबुक्स हैं सभी पर, किसी भी ईबुक को आप परचेज करते हो तो 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। जाइए इस डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाइए, सिर्फ आज आज के लिए है। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट के क्वेश्चंस की। लास्ट का क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से कौन सा अवार्ड मैरी कॉम को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है? तो भारत रत्न दोस्तों मैरी कॉम को अभी तक नहीं मिला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? कर्नाटका में। अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दोस्तों कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल जी, इन्होंने इस योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत होगा ये दोस्तों, जो माताएं होती हैं अगर वो दूसरी बालिका को जन्म देती हैं, ठीक है, अगर दूसरी बच्ची को जन्म देती हैं तो प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा उनको, ठीक है। माता को अपने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए कुछ आर्थिक मदद की जाएगी। कितना की जाएगी? 5,000 रुपए की। ओके, तो छत्तीसगढ़ की ये योजना है कौशल्या मातृत्व योजना। चलिए अब छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ देखिए मैप में कहाँ पर है, ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों नया रायपुर। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है अनसुईया उइके। इंद्रावती नेशनल पार्क, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में ही। छत्तीसगढ़ में ही दोस्तों स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है PR रामचंद्रन मेनन। कौन है? PR रामचंद्रन मेनन। छत्तीसगढ़ देखिए मैप में है कहाँ पर, ये रहा छत्तीसगढ़। इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को दोस्तों ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर सन 2000 को, नवंबर महीने में सन 2000 को 3 राज्यों का अलग अलग गठन हुआ। कौन कौन से राज्य? 1 नवंबर को सबसे पहले छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, फिर 8 दिन बाद यानी 9 नवंबर को सन 2020 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड 27वें राज्य के रूप में, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था। उसके बाद बिहार, बिहार दोस्तों 15 नवंबर को अलग हुआ, ठीक है, यानी 6 दिन बाद, 9 नवंबर से 6 दिन बाद 15 नवंबर को बिहार से अलग हुआ झारखंड 28वें राज्य के रूप में। फिर 2 जून 2014 को दोस्तों 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना अलग हुआ। फिर बाद में आकर के 31 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। इस वजह से दोबारा से 29 के बाद फिर से 28 राज्य बचे हैं, ठीक है। इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया। फिलहाल छत्तीसगढ़ बात करते हैं किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो मध्य प्रदेश से तो ये अलग ही हुआ था, इससे बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड से शेयर करता है, ओडिशा से अपना बॉर्डर शेयर करता है और आंध्र प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही साथ तेलंगाना और महाराष्ट्र से भी छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 सेवन राज्यों से अपना, सेवन स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटों की संख्या है 91 यानी 90+1। राज्यसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 5 और लोकसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 11। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने LNG गैस के लिए किस देश के साथ 10 साल का समझौता किया? तो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में कतर के साथ दोस्तों LNG गैस के लिए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए 10 साल के साथ समझौता किया है कतर के साथ। इस समझौते के तहत क्या होगा? इस समझौते के तहत दोस्तों पाकिस्तान को कतर जो है वो LNG गैस प्रोवाइड करेगा सस्ते दामों पर, बहुत ही सस्ते दामों पर। इससे पाकिस्तान अगले 10 वर्षों पे में $3 बिलियन की बचत कर पाएगा, ठीक है पाकिस्तान। अब देखिए LNG गैस क्या होता है, LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एक होता है LPG गैस, LPG गैस होता है जो हम लोग रसोई घरों में यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक होता है LNG गैस यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है प्राकृतिक गैस। तो ये प्राकृतिक गैस के लिए समझौता हुआ है। इसमें दोस्तों एथेन यानी C2H6 होता है और मेथेन CH4 होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है।
और जो एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। तो आप लोग को ये दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं, दोनों में अंतर याद रखना है। ओके, चलिए इसे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों पहले ठंडा किया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है। तो पहले पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं, फिर बात करेंगे कतर की। पाकिस्तान देखिए, ये रहा भारत का पड़ोसी देश। इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट। राजधानी है इस्लामाबाद। करेंसी होती है पाकिस्तानी रुपया और संसद का नाम होता है नेशनल असेंबली। यहाँ की राजभाषा है उर्दू और अंग्रेजी। सबसे बड़ा नगर है पाकिस्तान का कराची। ओके, बात करते हैं अब कतर की। तो कतर चलने से पहले सबसे पहले देखिए वर्ल्ड मैप में, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से दोस्तों हम लोग आएंगे खाड़ी देशों की तरफ। खाड़ी देशों के बारे में अभी उस दिन मैंने आपको बताया था। इधर दोस्तों आपको पार्सियन गल्फ दिखेगी, पारस की खाड़ी, और इधर गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी दिखेगी। यहीं पर ये सभी देश हैं। देखिए इधर है यूएई, यहाँ पर आपको कतर दिख रहा है, यहाँ पर बहरीन है, यहाँ पर है कुवैत, ये बड़ी सी जो कंट्री है ये है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो हम लोग को कतर के बारे में जानना है। ये रहा कतर, बहुत ही छोटा सा देश है कतर। कतर की राजधानी दोस्तों होती है दोहा। क्या होती है? दोहा होती है कतर की राजधानी। यहाँ के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो है खालिद बिन खलीफा। कौन है? खालिद बिन खलीफा। यहाँ की करेंसी होती है कतरी रियाल। क्या होती है? कतरी रियाल। अच्छा दोस्तों, अभी एक लिस्ट आई थी आतंकवाद की, रैंकिंग आई थी, सूचकांक आया था आतंकवाद का, सूचकांक आया था। इसमें कतर को सबसे कम आतंकवाद से प्रभावित देश माना गया था। यानी कि यहाँ पर पिछले 10 सालों में आतंकवाद की घटनाएं ना के बराबर देखी गई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ पर SFDR मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों डीआरडीओ ने चांदीपुर ओडिशा में, ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज में SFDR मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, SFDR का फुल फॉर्म होता है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। इससे क्या होगा? SFDR तकनीकी से दोस्तों होगा ये कि डीआरडीओ को अब लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल, लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल बनाने में जो टेक्निक है उसमें मदद मिलेगी काफी ज्यादा। डीआरडीओ ऐसा नहीं है कि पहली बार इसकी परीक्षा कर रहा है, इसकी टेस्टिंग कर रहा है। इससे पहले भी दोस्तों 2018 और 19 में इसकी टेस्टिंग कर चुका है डीआरडीओ। तो धीरे धीरे अपग्रेड करता जाता है और टेस्टिंग करता रहता है। ध्यान रखिएगा, SFDR जो है ये एक मिसाइल नहीं है, ये मिसाइल को लॉन्च करने का एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। ठीक है, कहाँ पर डेवलप किया गया हैदराबाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में, यानी लैब में बनाया गया है, और साथ ही साथ में रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI द्वारा ये विकसित किया गया हैदराबाद में ये स्थित है। DRDO का ही उपक्रम है ये दोनों भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। NPCI ने किस बैंक के साथ मिलकर भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, SBI के साथ मिलकर के रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च किया है। ये रुपे सॉफ्ट POS क्या करेगा? रुपे सॉफ्ट POS जो होगा दोस्तों, ये छोटे और खुदरा व्यापारी जो होते हैं, विक्रेता जो होते हैं, यानी कह लीजिए MSME, एक प्रकार से जो MSME होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो व्यापारी होते हैं, विक्रेता होते हैं, उन लोगों के स्मार्टफोन को, मोबाइल को दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनल में कन्वर्ट किया जाएगा। आप लोग इसको देखे भी होंगे दोस्तों, ऑलरेडी पेटीएम ने इसे लॉन्च कर दिया है। पेटीएम का जो ये POS सिस्टम है, आप देखेंगे किसी दुकान पर अगर आप जाएंगे तो उसमें एक छोटा सा सामने रखा रहता है डिब्बा टाइप का, उस पर आप कार्ड भी स्कैन कर सकते हो, वो मोबाइल में उसमें डिस्प्ले भी बना हुआ रहता है, तो मर्चेंट्स को पूरा स्मार्टफोन के सारे फीचर्स भी उसमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि उसमें ग्राहक अपना हर प्रकार से पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही अभी NPCI ने SBI के साथ भी समझौता किया है ऐसे ही सिस्टम लॉन्च करने के लिए। ओके, NPCI के बारे में अगर बात करें तो NPCI के MD और CEO हैं दिलीप अजबे। मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। 2008 में हुई थी इसकी स्थापना। UPI जो पेमेंट सिस्टम होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये NPCI के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ 5वीं वर्चुअल समिट की? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों स्वीडन के साथ 5वीं वर्चुअल समिट बैठक अभी आयोजित की है। 2015 से अभी तक के इन दोनों नेताओं के बीच में ये 5वीं बातचीत थी। अभी जो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन, तो स्टीफन लोफवेन और नरेंद्र मोदी जी के बीच में वार्ता हुई है इंडिया स्वीडन शिखर सम्मेलन में। ओके, तो ये वर्चुअल थी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थी, और इसमें अभी कई मुद्दों पर बातचीत चली है।
ओके, स्वीडन के बारे में अगर बात करें, इसकी राजधानी होती है स्टॉकहोम, मुद्रा है क्रोना और पीएम है इसके स्टीफन लोफेन। चलिए वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ आपको स्वीडन है कहाँ पर। तो स्वीडन दोस्तों एक यूरोपियन कंट्री है, यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में होगा। तो देखिए सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हम लोग चलेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्वीडन दिख जाएगा फिनलैंड के पास में। देखिए नॉर्वे इधर है, इधर फिनलैंड है और ये रहा स्वीडन। ओके, स्वीडन की राजधानी मैंने आपको बताया स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस लेखक को वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों मोहन कृष्ण बोहरा जी को 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बिहारी पुरस्कार 2020। क्यों सम्मानित किया गया है? मोहन कृष्णा बोहरा जी की एक पुस्तक आई थी 2016 में। कब आई थी? 2016 में एक पुस्तक आई थी, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तो इसी पुस्तक के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, तस्लीमा साहित्य संघर्ष और साहित्य, इस पुस्तक के लिए इनको सम्मानित किया गया। बिहारी पुरस्कार के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 3 साहित्यिक पुरस्कार दिए जाते हैं, इसमें दोस्तों एक ये भी है बिहारी पुरस्कार। इस बार इसका 30वां संस्करण था, इसको दिया जाना शुरू हुआ 30 साल पहले, यानी 1991 से। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, 2,50,000 रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिया गया, एक सर्टिफिकेट दिया गया और एक पट्टिका दी गई। आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है, ध्यान रखिएगा बिहारी पुरस्कार तो है, ऐसा नहीं है, ये बिहार के लोगों को दिया जाता है या बिहार में से संबंधित है। बिहारी पुरस्कार दोस्तों जो एक कवि थे, फेमस कवि थे बिहारी जी, उनकी याद में दिया जाता है, उनकी याद में ही यह स्थापित किया गया है और ये राजस्थानी लेखक को दिया जाता है, ठीक है। मोस्टली ये फोकस होता है कि राजस्थानी लेखक को किसी दिया जाए, ठीक है, कि उसके राजस्थानी लेखक के द्वारा आप पिछले 10 सालों में क्या कंट्रीब्यूशन किया गया है, तो उसको देखते हुए 10 सालों के, पिछले 10 सालों के परफॉर्मेंस को देखते हुए ये दिया जाता है किसी राजस्थानी लेखक को। ओके, तो बिहारी पुरस्कार आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, हाल ही में किसे राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों तरुण बजाज जी को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तरुण बजाज जी कौन है? तरुण बजाज जी दोस्तों ये हैं आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव वर्तमान में, और अब ये राजस्व सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। क्यों संभालेंगे? क्योंकि राजस्व सचिव थे अजय भूषण पांडे जी, ये 28 फरवरी को रिटायर हो गए हैं। अच्छा, अजय भूषण पांडे जी ये वित्त सचिव का भी काम देख रहे थे, तो 28 फरवरी को ये रिटायर हो गए हैं, तो इनकी जगह पर इनका अतिरिक्त प्रभार अभी मिला है तरुण बजाज जी को। अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज दोस्तों तब दिया जाता है जब कोई परमानेंट, जब तक नियुक्ति नहीं हुई रहती है तब। तो इसे कोई नियुक्ति नहीं माना जाता है, बस ये कहा जाता है ये काम देख रहे हैं, काम तब तक देख रहे हैं जब तक कोई नियुक्ति ना हो जाए। तो ये परमानेंट नियुक्त नहीं हुए हैं तरुण बजाज, ठीक है, ये तभी तक हैं जब तक कि केंद्र के द्वारा कोई नया नियुक्त नहीं कर दिया जाता है। तरुण बजाज 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। अगला देखते हैं, वेन इफ्रा ने किस न्यूज एजेंसी को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया। तो अभी हाल में वेन इफ्रा ने दोस्तों द हिंदू को, किसे? द हिंदू को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है, या एक प्रकार से कहें इस नाम से सम्मानित किया है। अभी दोस्तों WAN यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर, इसने दोस्तों साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स की घोषणा की। इसमें 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल पाया द हिंदू ग्रुप ने, और ये द हिंदू ग्रुप जो था ये मेडल टेबल में था टॉप पर, इसी वजह से इसको एक सम्मान से सम्मानित किया है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के नाम से। ये अवार्ड दोस्तों डिजिटल मीडिया में जो न्यूज पब्लिशर्स होते हैं उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए, बेस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अभी 3 मार्च को दोस्तों डिजिटल मीडिया इंडिया 2021 सम्मेलन आयोजित किया गया, उसी में इस अवार्ड की घोषणा की गई है। अच्छा, द हिंदू ग्रुप के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला ये भारत का पहला अखबार है द हिंदू, याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला अखबार, पहला भारतीय अखबार कौन था, तो द हिंदू है। इसकी स्थापना 1878 में की गई थी, क्वार्टर चेन्नई में है, प्रकाशक हैं वर्तमान में पब्लिशर हैं एन रवि जी। क्लियर, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में अवनी लेखरा ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। ये जो आपको इमेज में दिख रही है ये है अवनी लेखरा, ये नेशनल पैरा निशानेबाजी पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में जीती है गोल्ड। ओके, स्वर्ण पदक जीती है, किसमें?
10 मीटर एयर राइफल के इवेंट में। देखिए इवेंट का नाम आपको याद रखना है, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट। ओके अच्छा, अवनी लेखरा इसी के साथ दोस्तों टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला है अभी अगस्त महीने से शुरू होगा, 2021 में ही इसी वर्ष शुरू होगा, इसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, यानी भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। किस कैटेगरी में दोस्तों? पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो दी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पोर्ट्स जीके की। वो वीडियो है खेल और खिलाड़ियों से संबंधित, उनके राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों उसमें हमने बहुत अच्छे से लगभग 35 से 40 खिलाड़ियों को कवर किया है कि वो भारत के किन किन राज्यों से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं और किस खेल से संबंधित हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, जाइए चैनल पर सर्च कीजिए। इस वीडियो की क्विज भी आ गई है, तो आप लोग क्विज भी उसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों के वेतन खाते को संभालने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता किया है। किसके साथ? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये भारतीय सेना के जो जवान वर्तमान में हैं उनको जो सैलरी मिलती है या फिर जो जवान रिटायरमेंट ले चुके हैं उनको जो पेंशन मिलती है, दोनों के अकाउंट्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, कंट्रोल करने का मतलब है इनका अकाउंट इनसे टाई अप हो जाएगा और ये कुछ एडिशनल लाभ भी देगा। ठीक है, कुछ एडिशनल डिस्काउंट हो सकता है, ऑफर्स हो सकते हैं, ये भी प्रोवाइड करेगा कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो भारतीय सेना के साथ इसने अभी हाल ही में समझौता किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में अगर बात करें तो इसके सीईओ हैं उदय कोटक। इसकी स्थापना हुई 2003 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। भारतीय सेना के बारे में बात करें तो भारतीय सेना दिवस दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को। 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी सन 1949 में, 1949 में दोस्तों जनरल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे हमारे भारत के। इस वजह से 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। और भारतीय सेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। क्लियर, तो बस दोस्तों ये तो थी हमारे आज के दिन के करंट अफेयर की वीडियो। कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों फरवरी मंथ की ईबुक आ चुकी है, फरवरी 2021 की फुल डिटेल करंट अफेयर की ईबुक होती है दोस्तों। कैटेगरी वाइज चैप्टर वाइज आपको दिया जाता है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, हर एक चैप्टर को कवरअप किया जाता है और एंड में आपको 120 प्लस 120 क्वेश्चंस प्लस का एक प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें पा सकते हो सिर्फ एक ईबुक में, आपको हर एक टॉपिक का चैप्टर मिलेगा। जो लोग पुरानी ईबुक्स लिए होंगे उनको पता होगा, जो लोग नहीं लिए हो उनके लिए एक खास ऑफर चल रहा है दोस्तों, MJT 30 आप लोग डिस्काउंट कोड डालेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी ये 20 रुपये की ईबुक आपको 14 रुपये में मिल जाएगी। और अगर आप रेफर करते हो एप्लीकेशन को तो आप क्वाइंस अर्न करके और भी कम में पा सकते हो ईबुक। तो जाइए जल्दी से MJT ऐप इंस्टॉल कीजिए, फ़ायदा उठाइए उसका। कैसे परचेज करना है इसके लिए होम पेज पर ही नीचे वीडियो ट्यूटोरियल का ऑप्शन है, उस पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं पूरा प्रोसेस। ओके, टेलीग्राम पर भी आपको सूचित किया जाएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में IIT बॉम्बे को कौन सा स्थान मिला है? अच्छा क्वेश्चन है। अगला, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 1 मिलियन से कम आबादी वाले शहरों में शीर्ष पर कौन है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो, डिटेल में जरूर लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों अगर आप डिटेल में लिखोगे तो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पर भी आपका माइंड जो है वो सर्च करेगा, तो इससे आपका आपकी सोचने की क्षमता तो एक तो बढ़ेगी, दूसरी आप जो लिख दोगे वो चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इस वजह से आप लोग जब भी लिखा करो प्रयास किया करो डिटेल में लिखने की, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आए आप लोग जरूर लिखा करो। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। पीडीएफ फाइल और कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर ही सबसे पहले आपको कुछ भी बताया जाता है। MJT एजुकेशन के नाम से है टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन कीजिए, सबसे पहले कोई भी न्यूज़ आएगी आपको वहीं पर इन्फॉर्म किया जाता है, कौन सी वीडियो आने वाली है, क्या क्या करने वाला हूँ या फिर आने वाले दिनों में क्या क्या आपको मिलने वाला है, सब कुछ आपको वहीं पर पता लगता है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, MJT एजुकेशन सर्च कीजिएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है उसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आपको। चलिए बस मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।